छत्तीसगढ़ दुर्ग के पावन धरा पर एक दिवसीय प्रवास पर बॉडी बिल्डिंग क्षेत्र के प्रसिद्ध जाने माने हस्ती चेतन, महासचिव वर्ल्ड बॉडी बिल्डिंग एवं फिजिक्स स्पोर्ट फेडरेशन प्रेमचंद डेगरा अध्यक्ष इंडियन बॉलीवुड फेडरेशन प्रथम पद्मश्री अर्जुन अवार्डी की उपस्थिति में पावर फिटनेस के आगमन पर दुर्ग के अग्रसेन चौक में भव्य स्वागत की गई। साथ ही खिलाड़ियों ने अपने अनुभव को साझा किया और जिम के संचालन के लिए संचालक सदस्यों और खिलाड़ियों को नियमित एवं अनुशासन में रहते हुए जिम को संचालन के लिए सुझाव दिया। इस बीच दोनों अतिथियों ने खिलाड़ियों को किसी भी प्रकार के नशा सेवन से दूर रहने को कहा। यदि हमारा शरीर स्वस्थ और सुंदर है तो इसे समाज एवं देश के निर्माण में काफी सहयोग मिल सकता है। कार्यक्रम के दरमियान चेतन पठारे, महासचिव वर्ल्ड बॉडी बिल्डिंग एवं फिजिक्स स्पोर्ट फेडरेशन ने घोषणा की कि शहर एवं राज्य की प्रथम महिला फिटनेस बॉडी बिल्डर निशा गोयल का चयन भारतीय टीम में किया गया है, जो जुलाई में आयोजित साउथ एशियन चैंपियन नेपाल 2019 में भाग लेंगी। उक्त प्रतियोगिता निशा भव्य को बधाई एवं उपस्थित अतिथियों ने साल के साथ सम्मान करते हुए सभी को धन्यवाद दी। अपने आप को मनोरंजन अच्छे तरीके से कर सकता है कि जो सबसे जो हमारा जो टारगेट होता है, जहाँ मोटो होता है, जहाँ जिम का भी खोलने का, जहाँ स्पोर्ट्समैन कोई भी हो, उनका एक ही मकसद रहता है कि जहाँ के जो लोग हैं, जहाँ के जो बच्चे हैं, जहाँ के जो महिलाएं हैं, जहाँ के जो भी लोग हैं वो स्वस्थ रहें, जिससे कि वो ये जो मैं समझता हूँ कि छत्तीसगढ़ के वो स्टेट है जहाँ पे हर किस्म के जो हॉकी का मैं समझता हूँ बहुत है, ऑल स्पोर्ट्स यहाँ पे है। यहाँ बड़ी खुशी होती है कि हमारा जो जो स्टेट है उसके अंदर जो खिलाड़ी जो हुआ पैदा हो रही है, लेकिन उनको थोड़ा निराशने की जरूरत होती है। तो मैं समझता हूँ जैसे जिम खुला है उसमें बहुत कुछ उनको गाइडेंस मिलेगी, बहुत ऐसा मिलेगा जिससे कि वो अपने छत्तीसगढ़ का पूरे भारतवर्ष का नाम पूरी दुनिया में रोशन करें। और सबसे बड़ी बात मैं ये कहना चाहूँगा जो यंग जनरेशन है उनको कि अपने हेल्थ को मेंटेन करें, अपनी हेल्थ को संभाल के रखें, जिससे कि ये मत सोचो कि मैं अपनी हेल्थ को ठीक करा। जो हर स्टेप पे एथलीट्स के लिए कुछ ना कुछ सोचते हैं, अच्छा सोचते हैं, और इस तरह जैसे चेतन सर का जो बहुत मोटिवेट करते रहते हैं, और जिस भी एथलीट को जो कैपेबल नहीं होता है या जो टैलेंटेड तो होता है लेकिन जो आगे भी जाते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। तो आने वाले टाइम पे जो ये फील्ड है वो बहुत ज़्यादा आगे जाने वाली है। तो मैं सबसे कहना चाहूँगी प्रोफेशन करो या ना करो, लेकिन कम से कम फिटनेस के लिए तो छत्तीसगढ़ प्रदेश बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन का बहुत बहुत आभारी हूँ यहाँ पे हमें आमंत्रित करने के लिए और हमारा ऑनर करने के लिए। और छत्तीसगढ़ ने बहुत अच्छे खिलाड़ी हमारे देश के लिए दिए हैं, अरविंद सिंह जी, राजशेखर और उनकी पूरी टीम बहुत अच्छा काम यहाँ पे कर रही है। और जो निशा गोयल जी है जो हमारी एथलीट है फिजिक्स स्पोर्ट्स की, और अगले महीने में जो साउथ एशियन चैम्पियनशिप नेपाल में हो रही है 7 कंट्रीज़ की, उसको पार्टिसिपेट करने के लिए हमने उसको स्पॉन्सरशिप दी हुई है। और मेरी सोच है, मैं जानता हूँ कि वो हमारे देश के लिए ज़रूर मेडल लेके आएगी वो कॉम्पिटिशन में। और बहुत सारी महिलाएं अभी हमारे इंडियन बॉडी बिल्डर्स फेडरेशन के माध्यम से आगे आके हमारे बहुत सारी कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट कर रही है। वन ऑफ द बेस्ट टीम हमारी पार्टिसिपेट होती है एशियन और वर्ल्ड चैम्पियनशिप में, जहाँ हमने बहुत सारे मेडल हमारे देश के लिए लेके आए हैं। मैं छत्तीसगढ़ बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन का और उनके जो अरविंद भाई हैं, जितने जो लोग हैं शेखर राव और प्लस जितने जो उनके संगठन हैं, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि हमारे साथ जो इंडियन बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन के जो शक्ति जनरल हैं और वर्ल्ड फेडरेशन के जो जनशक्ति हैं और चेतन पठारे हैं और सभी इंडियन बॉडी बिल्डर फेडरेशन के हिसाब से मैं जो आज जो पावर जोन की अभी जो खुला उसको बैंक खुला उसको पूरे परिवार को मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने एक बहुत अच्छा काम किया यहाँ पे इस गेम खोल के। यहाँ के जो लोग हैं उनको एक अच्छी सोच मिलेगी, अच्छी जो उनका जो सेहत मिलेगी जिससे कि वो आगे बढ़ सके। ऐसा दस्तक टीवी के लिए छत्तीसगढ़ से विजय लक्ष्मी चौहान की रिपोर्ट।